हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एमएनएस टारगेटिंग एमएनएस 2022 सो दिस इज स्टार्टिक जी के लेटेस्ट एडिशन पार्ट वन आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दिस द न्यू एमसीक्यूज सी जी के की जो मैं सीरीज़ करवा रही थी उसमें कंटिन्यू एक दो बार ऐसे सीरीज आए हैं जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे बट दिस इज द सीरीज़ जिसमें आपको लेटेस्ट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ दिस इज द पार्ट वन जो कि uh, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है लास्ट टाइम अब पार्ट टू से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ठीक है पार्ट वन में मैंने टोटल थर्टी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे एंड दिस इज़ कंटिन्यूइंग पार्ट टू ओके स्टार्ट करते हैं विद अ व वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज

इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज कमेंट में बताएगा वैसे तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगी ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन आज हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं नो सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ अर्थ में आपका डीपेस्ट प्लेस कौन सा है अरेबियन सी कैस्पियन सी डेड सी और ब्लैक सी माँ के आंसर का इज डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज डेड सी ठीक है ये आपका अर्थ है ना तो यहाँ पे क्या पड़ता है पैसिफिक ओशन राइट पैसिफिक ओशन में ही आपको डेड सी देखने को मिलता है द डीपेस्ट प्लेस ठीक है नेक्स्ट वी हैव हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव इन प्लेट्यू पठार प्लेट्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं पठार तो पठारों पे कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर देखे जाए तो सिक्स परसेंट ट्वेल्व परसेंट ट्वेंटी परसेंट और नाइन परसेंट सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज नाइन परसेंट दिस इज एक्चुअली अ कैलकुलेटिव डेटा इट इज अ फैक्ट सो यू कैन लर्न इट इजली नेक्स्ट वी हैव द हाइस्ट अमाउंट ऑफ नॉन एक्टिव गैस हाइएस्ट अमाउंट ऑफ नॉन एक्टिव गैस ऑफ़ द फॉलोइंग गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में नॉन एक्टिव गैस जो एटमोसफेयर में पाई जाती है कौन सी है ऑप्शन आर नियॉन हीलियम आर्गन और क्रिप्टन सो द राइट आंसर इज आर्गन ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विथ सॉइल इज़ फ्रेंडली फॉर पल्सिस क्रॉप प्रोडक्शन दाल दालों के लिए दालों के प्रोडक्शन के लिए कौन सा सॉइल इसमें से फ्रेंडली है रेड सॉइल ब्लैक सॉइल एलुवियल सॉइल और एसिडिक सॉइल इफ द क्वेश्चन इज आज कि सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है तो एलोवियल सॉइल जो है सबसे ज्यादा अराउंड फोर्टी सेवन टू फोर्टी एट परसेंट वी कैन से एलुवियल ऑयल पाया जाता है ओके okay? देन ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल आपके गुजरात में फेमस है एंड ये कॉटन यहाँ पे प्रोडक्शन होता है कॉटन का ब्लैक सॉइल में ठीक है तो आपका पल्सेस के लिए बेस्ट इज रेड सॉइल ठीक है रेड सॉइल एंड रेड सॉइल सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है सो मध्य प्रदेश विल बी द आंसर मध्य प्रदेश में मिलता है आपको सबसे ज्यादा रेड सॉइल and it is friendly for pulses crop production next we have which continent is known as white continent this continent is white continent ke se jana jata hai? asia africa australia antarctica easiest question of the series so the right answer is option d that is antarctica why इट इज़ नॉन एज वाइट कॉन्टिनेंट क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका स्नो से कवर अप रहता है अंटार्क्टिका ठीक है सो इट इज़ नॉन एज वाइट कॉन्टिनेंट ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ़ द फलोइंग सिटी नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है अजमेर न्यू दिल्ली कोलकाता और देहरादून माँ क्यों आंसर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी या फिर आपसे पूछे बोट लाइब्रेरी कहाँ है तो बोट लाइब्रेरी भी आपका कोलकाता में ठीक है लाइब्रेरी गार्डन पूछे या फिर वी कैन से लाइब्रेरी इन द फॉरेस्ट अगर ऐसा कुछ पूछे तो वो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राह्मण डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी वधियार डायनेस्टी एंड शुंगा डायनेस्टी इन चारों में से ब्राह्मण डायनेस्टी कौन सा है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज शुंगा डायनेस्टी ठीक है ये ब्राह्मण डायनेस्टी है नेक्स्ट इन विच कंट्री गंगा रिवर इज नॉन एज पदमा ठीक है गंगा नदी को पद्मा के नाम से कौन से प्लेस पे या कौन से कंट्री में पाया जाना जाता है नेपाल बांग्लादेश भूटान और म्यांमार सो so, आपको पता है गंगा रिवर जो ये हमारा इंडिया है राइट यहाँ से गंगा रिवर जो स्टार्ट होती है तो यहाँ पे जो बांग्लादेश आता है बांग्लादेश में चल जाती है एंड फिर वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज इसका होता है ठीक है तो जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है ना तो इसका नाम क्या हो जाता है वहाँ पे पद्मा सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन बांग्लादेश गंगा रिवर इज नॉन एज पदमा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रा कैनाल विच इज ऑल्सो नॉन एज थाई कैनाल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैनाल का नाम है क्रा कैनाल इसे हम थाई कैनाल के नाम से भी जानते हैं ये कौन से कंट्री में है इंडिया सिंगापुर जापान और थाईलैंड सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज तो क्रा कैनाल का नाम थाए है तो यहाँ से एक हिंट मिल जाता है आपको क्या थाईलैंड का नेक्स्ट चंद्र दिस इज नॉट चंद्र दिस इज चंद्र ध्यान चंद्र अवॉर्ड स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस ऑफ इंडिया चंद्र स्टेडियम कहां पे है न्यू दिल्ली कानपुर भागलपुर और दार्जिलिंग मार्क्यू आंसर का सो द राइट आंसर इज यर ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ न्यू दिल्ली ठीक है न्यू दिल्ली में है ध्यानचंद्र स्टेडियम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये इसे जरूर देखिए वर्ल्ड हाइएस्ट वॉल्ड कैनो माउंटेन क्या नाम है कोटोपैक्सी हाँ वर्ल्ड का सबसे हाइएस्ट वर्ल्ड कैनो माउंटेन का नाम है कोटोपैक्सी ये कहाँ सिचुएटेड है कौन सी कंट्री में इंडोनेशिया जापान एक्वाडोर और जर्मनी सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज एक्वाडोर वर्ल्ड हाईएस्ट वर्ल्ड माउंटेन कोटोपैक्सी इज सिचुएटेड इन एक्वाडोर ठीक है इंडोनेशिया में आपको क्या देखने को मिलता है दो इंपॉर्टेंट आइलैंड जावा एंड सुमित्रा ठीक है जावा एंड सुमित्रा आइलैंड यहाँ पे आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं देर इज अ ट्रेंड ऑफ वर्शिप ऑफ विच प्लानिट इन यूरोप आपको पता है प्लैनेट्स की पूजा की जाती है वर्शिप की जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारी बात करें अर्थ की बात करें तो इंडिया में आपने सुना होगा ना शनि ग्रह है मंगल है ऐसे तो शनि मंगल ये सब क्या है प्लैनेट्स के नाम है ठीक है शनि देव की पूजा करनी चाहिए तो व्हाट इज शनि देव दिस इज़ प्लैनेट ओनली तो वैसे ही यूरोप में भी ट्रेंड है वर्शिप का प्लैनेट के वर्शिप का कौन से प्लैनेट की वर्शिप करते हैं वो लोग पूजा करते हैं मर्क्यूरी वीनस सैटन और जुपिटर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज जुपिटर ठीक है जुपिटर की वो लोग वर्शिप करते हैं पूजा करते हैं यूरोप में ठीक है नेक्स्ट खेतरी डिस्ट्रिक्ट जिस जो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए खेतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग सिल्वर गोल्ड कॉपर और ब्रास सो यहाँ पे लोग जो है दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं दैट इज सिल्वर और कॉपर ठीक है तो क्योंकि राजस्थान आ जाता है तो राजस्थान में अगर आपसे उदयपुर पूछा जाए उदयपुर पूछा जाए देन योर आंसर विल बी सिल्वर बट यहाँ पे खेतरीय डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन सी दैट इज़ कॉपर क्या होगा कॉपर ठीक है अगर ब्रास सिटी पूछा जाए इंडिया में ब्रास सिटी किसे कहा जाता है देन इट द आंसर विल बी मुरादाबाद क्या हो जाएगा मुरादाबाद मुरादाबाद को जो है ब्रास सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच शिप यार्ड ऑफ इंडियन नेवी इज़ यूज टू मैन्यूफैक्चर वॉरशिप्स नेवी में टू टाइप के शिप्स होते हैं एक तो वॉरशिप होता है जिसपे बहुत सारी यू नो कैनन्स फिट होते हैं ठीक है गोले बरसाने के लिए ऐसे और एक होता है आ, पेट्रोलिंग वाला जो सिर्फ पेट्रोलिंग करके देख के आ गए कि एनी मूवमेंट ऑफ एनिमीज़ आर देयर और नॉट ठीक है तो वॉरशिप के बारे में पूछा गया है आपसे कि वॉरशिप का कहाँ मैन्युफैक्चर होता है द ऑप्शन दा आर गार्डन रीच वर्कशॉप कोचिन शिप यार्ड मदगव डॉक्स और हिंदुस्तान शिप यार्ड सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए गार्डन रीच वर्कशॉप दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज यू हर गिवीन एग्जाम फॉर डिफेंस रिलेटेड दैट्स वाई ठीक है सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर टूडे आई होप यू गाइज लाइक दिस क्वेश्चन Uh, thanks for watching please like, comment, share to the friends who are preparing for mNs 2022 and if you're new to this channel subscribe to my channel for such an amazing videos. So part one of this latest uh, series I'm gonna provide in the uh, description so go and check it out. Thank you so much keep supporting.